हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान और मैं हूं साहिल। तो आज हम रिएक्शन करेंगे खबर मनी मेराज वाइंस की तरफ से। सो लास्ट हमने इनका वीडियो देखा था, वो जादू टोने वाला, उसके बाद नौटंकी, और उसके बाद सब इनका दूसरा वीडियो रिलीज हो गया। और दूसरा वीडियो रिलीज होने के बाद में अच्छे खासे व्यूज़ भी आ चुके हैं, 4 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। सो यार, बिना टाइम इसके हम है ना शुरू कर देते हैं, सारी बातें हम बाद में करेंगे। शुरू करते हैं अभी, गो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं हूं मनी मिराज, मेरे साथ कैमरामैन शशि यादव के साथ। बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, उस मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव है, बहुत प्यारा गांव, जिनका नाम है गरखा। तो हम पहुंच चुके हैं इस गांव में और यहां के लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। और कई पार्टियों के नेता आते हैं और एक झूठा वादा करके चले जाते हैं। हो गया सर जी, एक बार फिर से बुदबुदाय ना जाओ। कहे हम देखबे ना कहीं है कोहा तनी काहे करिया करिया होता है, बन नु रहलक आवल ना जाओ। काहे के लिए आते हैं, झाट उखाड़ने के लिए आते हैं। वो कैमरा नहीं हो रहा आपसे, आप बतियाइएगा, आप कैमरा मैन बनिएगा। सुनिए ना, तो मुंह संभाल के बात कीजिए, समझे? बोलने वाले का लूर नहीं है, रिपोर्टर बन गए हैं। तो कैमरा वाला यहीं पटा पटा के चल जाएंगे, इतना नहीं खुला तो कथी हो गया, खुलता गया हमारा अपने खेतों से हम कमा लेते हैं, बुला के लिए प्यार से ला के करिया रहे हैं। अच्छा चलिए, आप गुस्साइए मत, चलिए आइए आइए, उठाइए कैमरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं हूँ मनी मिराज, कैमरा मैन शशि यादव के साथ। बिहार के एक मुजफ्फरपुर जिले में हम लोग पहुँच चुके हैं, जिस जिले में एक गाँव है, बहुत प्यारा गाँव गरखा। इस गांव का हालात आप लोग देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ख़राब है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं और कुछ लोगों से बात कराते हैं। तो कैमरामैन आप फोकस कीजिए लगातार इस भाई पर। तो भाई साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप इसी गांव के हैं? थोड़ा बुझा नहीं रहा है, फिर समझ में नहीं आ रहा है। बुझा रहा है मतलब आपसे पूछे हैं कि आप इसी गाँव से हैं? हाँ। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ डायरेक्ट, है ना? तो कई पार्टियों के नेता आते हैं और आपके गांव में बहुत सारे वादा करके चले जाते हैं, लेकिन इस गांव में विकास नहीं हुआ और यहां सिर्फ मरई है, एक छत नहीं आप लोगों के पास। तो सीधा सवाल सरकार से है, ये सरकार है, आप सवाल कीजिए सरकार से। अरे क्या हुआ भाई साहब, बोलिए सरकार को कुछ। अच्छा साला, ये बस सरकार भाई साहब, अरे सरकार थोड़ी है, अरे तो कैमरा मैन है, आप इसमें बोलिए कैमरा में, सरकार तक पहुंचेगी, सीधे बोलिए कैमरा में। हेलो 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 सर, हाँ बोलिए। अरे भाई साहब, अरे कैमरा कुछ नहीं बोलेगा, आपको जो बोला है सब बोलिए, यहाँ पे सरकार सुन लेगी आपकी बात। हमारा गधा समझ ले बारा, बोल के फंसे जाई। अरे भाई साहब, आपको जो बोला है बोलिए, सरकार सुन लेगी, आपका काम करेगी, सुनेगी तो। जब अगला आदमी बोले तब ना हम बोलेंगे। अरे अगला कुछ नहीं बोलेगा, जो बोला है आपको बोलना है। ओ चौथू समझ ले बारा, हम बोल के फंस जाई, बिहान बेला सरकारवा आई गांड में बांस करके ले जाई जेल, तेलैया करी तो तू आई बा बचावे लबरई के बाजार के ले बारा। भाई साहब, आप सरकार को कुछ भी बोल सकते हैं, आपका अधिकार है, आप वोटर है, आप वोट दिए सरकार को, बोलिए। हमको कुछ नहीं बोलना है, हम गरीब आदमी है, सब सरकार जिंदाबाद है, जाइए यहाँ से। सब सरकार जिंदाबाद, चलिए यहाँ से। कथी ऐसे आदमी से पूछ रहे हैं, ये सब खाली मीट भात खाने के फेर में रहता है। चलिए कथी पूछते हैं बहुमत आदमी से, सरकार बोले हैं तो हमको मारने लगा है, बताइए। हाथे मार रहा था तो ठीक है, कहीं लथी आने लगता हमको तब। अरे बच्चे हम तो बोले हैं सरकार से पूछिए, कैमरा को बोले हैं, हमको क्या पता है कि आपको मारने लगेगा, चलिए आगे। तो ये रहा गारखा, यहाँ के लोगों को मैं बात समझाया लेकिन समझ नहीं पाए, सरकार का नाम लेते ही सरकार पर टूट पड़े, यानी कि समझ लीजिए अगर सरकार होती सामने तो उसको क्या करते मैं नहीं जानता, आप लोग बता सकते हैं, यहाँ का काम देखकर आप लोग बता सकते हैं। कैमरामैन कैमरा घुमाइए थोड़ा, यहाँ का आप लोग हालात देख लीजिए, एक भी ईटा का घर नहीं है, सब टाटी मरई है। कैमरामैन शशि यादव के साथ मनी मिराज, मुजफ्फरपुर बिहार। हेलो नमस्कार, आदाब सलाम, फिर से आप सबको कल तक भोजपुरी में स्वागत है। हम गारखा से सीधे वैशाली जिला के एक भोसरीपुर में पहुंच चुके हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं भोसरी वाले चाचा। सीधा सवाल रहेगा चुनाव पे और सरकार के काम काज पे, तो भोसरी वाले चाचा सबसे पहले आपका नाम जानेंगे हम। बहुत अच्छे झींगा सहनी जी, चलिए सीधा सरकार के काम काज पे बात करते हैं। कैमरामैन चलिए झींगा सहनी पे कैमरा का फोकस लगाइए, और झींगा सहनी जी सबसे पहले आप बताइए कि आपके मोहल्ले में नल जल का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं नहीं लगा है। अरे आप सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं झींगा सहनी जी, हम तो पूरे रास्ता में देखते हैं कि नल जल का पूरा काम हुआ है, नल लगा हुआ है। लगने से होगा कि नल में जल चाहिए? नहीं जल मिलना चाहिए भाई, आपको जल नहीं मिलता बराबर? नहीं नहीं मिलता है जल, चलिए कहाँ मिलता है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। पानी अभी नहीं करता है नल में, 5 मिनट आता है 24 घंटा में, तो लेटरिन करने जाते हो तो छिछिरिया करने का नौबत आ जाता है। तो ये है भोसरीपुर का हाल, नल जल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं है, है ना? हाँ, जैसे ही धोने जाते हैं पानी भाग जाता है। अरे चाचा आप दारू पिए हुए हैं? हाँ पिए हैं,
अरे लेकिन बिहार में तो दारू बंद है, आप कैसे पिए हुए हैं? आप थोड़ी ना, हम व्यवस्था कर लेते हैं। कौन बेचता है दारू बताइए, अभी उसको हम टेलवाते हैं। काय बताएंगे, उसका भी घर परिवार है। थोड़ी ना, आप अपना काम कीजिए, हम पी लेते हैं ना बस। तो ये है झींगा सहनी, ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं से दारू जुगाड़ कर लेते हैं। आखिर ये दारू कौन बेच रहा है, कौन है दारू माफिया? लगातार फोकस कीजिए कैमरामैन, इसी बात पर चर्चा होगी आज। सर जब से दारू वाला बतवा पे स्टार्ट किए हैं तभी सर कैमराओं का बैटरिया बैठ गया था। सर आपको नहीं बोले हैं कि आपको खराब वराब लग जाएगा कहीं? अब इसमें खराब लगने वाला कौन बात था, चुतिया है क्या आप? हैं कितना बढ़िया व्यवस्था वगैरह लगा चाचा के टेलवा के। सर जी दूसरा बैटरी लगा लेते हैं, दूसरा बैटरी लगा लेते हैं, फिर से एक बार पूछिए ना। झींगा सहनी जी, आप जो दारू पर बात बोले थे आप फिर से बोल सकते हैं? बाप का नौकर है क्या आपका? एक ही बात को 10 बार लौटा गया, नहीं बोलेंगे हम, हम एक ही बात बोलते हैं। जाइए मुठेले रहा कैमरा के। कौन ये साले, तो ऐसे को झाट ना उखड़ी साले पा। भाई देना रही तो साले पकड़ा गुरा लगे मर जाएगा बहुत होगा। चलो तो दोस्तों फिर से एक बार पहुंच चुके हैं लालटेनगंज। ये वही लालटेनगंज है जहां पे एक गाना बना था लालटेन वाला। ये बिहार का एक मोतिहारी जिला में पड़ता है। यहां के लोग वर्षों से लालटेन जला रहे हैं और आज भी लालटेन जलाते हैं। तो चलिए सीधे सरकार के कामकाज के बारे में जानते हैं। तो यहां पर विकास रोता नजर आ रहा है। तो चलिए यहां पर एक विकास हुआ है, यहां पर एक बिजली का खंभा लगा हुआ है। मैं कैमरा मैन से दरखास्त करूंगा कि आप पोल पर फोकस करें ऊपर। खंभा है तो देखा आप लोगों ने, तार नहीं है हमनी के बिहार, जहां पर बिजली के खंभा लागल बा लेकिन तार नहीं खे लागल। तो काथी जरी लमटेन डिबिया मटिया तेल डाल के। ए सर एगो लइका के खड़ा बा, पूछने लियो कि पुलवा कहिया हलर लख, ना त काल परसों में कहीं हलर होई त रउवा टेला जाएं। अब वो एने आउत त हमर घर हउ मुदा बा। चल इसे छोड़, आई खामो कहिया हलर लई। हमरा अभी पापा के बियाह से पहले हलर लई। पापा के बियाह से पहले ही? हां। ओ तो बहुत दिन हो गए ना। हाँ। ठीक हो जा तो बोले हम सुनिए ना, ननकी छौड़ा का लख ओकरा पापा के शादी से पलो ही, यानी कि उ छौड़ा लख 6-7 साल के। उ 6-7 साल का लड़का था सर, उ नहीं था ना तो 10-12 साल का लड़का था समझे। और यहाँ का लड़का सब ना खाता सर बहुत है, अब बढ़ता ही नहीं है, गुलठिया आ जाता है। आ उससे अभी तनका देर और पूछते ना तो मालूम चलता है कि छोटका लड़का बा के 2-3 गो अभी लड़का। तनका कम दो गलई बतिया ना, वो लड़का के अभी लड़का हुई कौन है अभी? ओकर नूनू तो अभी छी मिली। काम करे वाले काम कर, कैमरा चालू कर। ठीक है सर। तो आप लोगों ने देखा कि ये खामा जो है 10-12 साल से लगा हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पर काम हो, और कैमरा मैन से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि चलिए सीधा फोकस रोड पर कीजिए। सरकार दिखाते रहिए, आइए सीधे आइए। वारे शशि जी बढ़िया से आराम से, शशि जी से देख के चलिए। अरे बाप रे बाप, ये बताइए यार बंदा सच में गिर रहा है यार एक्टिंग के लिए। उखरल है, दिखाइए रोड का, दिखाइए पर्दा फास कीजिए सरकार के कामकाज का। साला ये रोड है, हां इसमें राई बोर्ड ही चलता है, गिरेगा तो साला मुंह के साथ साथ साला गारो फाटेगा। वहां पे चाचा दिख रहे हैं, चलिए विकास के बारे में बात करते हैं। चाचा नमस्कार, कल तक भोजपुरी में आपका स्वागत है। खूब खुशी रहा। अब चाचा आप इसी गांव से हैं? हाँ यही गांव के बानी, का कहल चाहता नहीं। अरे कहने का मतलब है कि हम लोग मीडिया से हैं। अच्छा। जब हम आपके गांव में पहुंचे तो आपके गांव का रोड का हालात बहुत खराब है, और सरकार बोली थी कि आपके गांव में काम हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव में विकास आया था? ना ये सब फेर फार में हम ना रह ले, हमारा माल जल बा पकड़ी पटरू बा के आयल ना आयल उससे हमारा कोनो मतलब ना रहा। हम अपने पढ़े दिए पर हॉस्पिटल से आई नहीं, हमारा सरोजिन का ऑपरेशन होल का, विकास कब आवले कब जाले वो सब फेर फार। अरे चाचा विकास से मतलब विकास कब आता है कब जाता मुझे नहीं मालूम। काम काज भइल बा ए हट हट, वो गांव में हमारी नहीं के गांव में आरो लोग बा, जा के आरो लोग से पूछ हमारा भैंस यार के टाइम हो गेल बा। किसका टाइम हो गया? भैंस ले, भैंस को लाने का। आप इसी गांव से हैं? हां इसी गांव से है, बोलिए कथि बोलना है। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? बंडी क्लास 8 कुमार में पढ़ते हैं। हाय 8 कुमार छोड़ी सर, बंटी कुमार 8 क्लास में पढ़ते हैं सरकारी। अच्छा बंटी कुमार 8 क्लास में पढ़ते हैं, चलो बहुत अच्छा। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बैगन सर।
यही फेवरेट है, आलू मटर फेट के खाते है। रे सब्जी को सब्जेक्ट साला, सब्जेक्ट यानी विषय, विषय कौन सा विषय है तुम्हारा? ओ जा सर, जोर घटाओ गुना भाग कर लेते हैं। विषय पूछ रहे थे, जोर घटाओ गुना भाग। अरे हिंदी है कि इंग्लिश है कि साइंस है? हाँ सर, ये तीनों में से कौन है? आप इंग्लिश है मान लीजिए। पढ़ाई तुम्हारा बाप का बबौती है कि मान ले झाट उघारेगा। कितना क्लास में पढ़ता है? नहीं बताएगा का है ये दाचिया था। बाबू तुम कितने क्लास में पढ़ते हो? हम ना पढ़ी ले, कैला पढ़ी। अरे पढ़ेगा तो तुम्हारा बाप मतारे का नाम रोशन होगा। हमें रोशन करेगा नहीं के। अरे बाप रे, हमको रोशन ही नहीं करना है। इकरा मतारी के गरिया दिखा ना हो ना गरिया हो, फालतू लड़का सभी कथी गरिया आइएगा। अच्छा बंटी क्लास 8 कुमार इधर, स्कूल किधर है? चलिए पासे में है, दिखाते हैं। चलिए चलिए भैया, भैया स्कूल वह है, इसी में ना हम पढ़ते हैं, सब लड़का इसी में ना पढ़ता है। आज हमको मलजारी हो गया है ना, तो पापा के गोल पर चुरुक गया है, तो पापा माना कि ये नहीं जाओ, तो नहीं गए है। अब जाइए, हम गुल्ली डंडा खेलने जा रहे हैं। साला बड़ी खुश है नहीं जाकर। मार करो, मार मार। आई हो दादा, ये क्या हो रहा है? मार हो रहा है सर, लड़का सब में नहीं देख रहे हैं। अब मास्टर कहाँ है? हेलो मास्टर, बात पे लगा। क्या करो तब? कुछ नहीं, बस माल से बतिया रहा है। माल से बतिया रहा है। छोड़िए ना, हाउ देखिए ना, हाउ मालिश हो रहा है उनका। घुसल जाओ, घुसिए ना, चलिए ना, गाड़ पड़िए ना, हम कैमरा टान रहे हैं। आइए, तो हम पहुंच चुके हैं लालटेनगंज के एक मिडिल स्कूल में। यहाँ पे देखिए लड़का सब उधर लारा पीटी कर रहा है, आई मास्टर देखिए यहाँ पे मालिश करवा रहे हो। मास्टर जी कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? उधर लड़का सब देखिए तो मारपीट कर रहा है, आप यहाँ मालिश करवा रहे हैं। आज थोड़ा कैमरा उधर घुमाइए, कैमरा मैन थोड़ा हाई मास्टर जी को दिखाइए, माल से बतिया रहे हैं। नाम कथी है? माल का नाम नहीं, दू को नाम है आपका? माल दू को होगा ना, बहुते है, चाहिए क्या? मुंह में काला घुसेर रहे हैं, हटाइए। ध्यान से देखिए पखंडी मास्टर को किस तरह मैडम से बतिया रहे थे। हम बोले किससे बात कर रहे हैं तो माल से, चाहिए का? बेशर्मी की हद होती है, ऐसे मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, कल तक भोजपुरी। बने रहिए मनी में राजीव पटेल के साथ, आगे दिखाइए कैमरा में सजिया दो। सबसे पहले हम नौकर चाकर से पूछते हैं, कथे हैं आप? आदमी है तो हम देख रहे हैं, हम क्या बोले बोलिए, पैसा है आप है कथी स्कूल का? एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट होता है, साइड होइए। मास्टर है। कौन मास्टर? पढ़ाते हैं हम, इस स्कूल के हेड मास्टर। तो हेड मास्टर है, पढ़ाने के लिए बोले क्या, भविष्य खराब कर रहे हैं? किस बात की पगार लेते हैं आप सरकार से? टाइम से स्कूल खोलते हैं बंद करते हैं, इसी बात का। लड़का आई तहियो बाबा, ना आई तहियो बाबा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? बिल्कुल नहीं, कोनो हमर प्राइवेट नौकरी बा, सरकारी नौकरी न बा, सरकारी महीनवा के हिस्से रोकाए वाला बा, आओ तब आ चाहे ना आओ तब। क्या बात है यार, ध्यान से देखिए हेडमास्टर को किस तरह सरकारी नौकरी का घमंड दिखा रहे हैं। यही तो फायदा होता है सरकारी नौकरी का। फायदा होता है, लड़का भले करिए लुहाट हो लेकिन बिहारू गोर बुरा चाहिए। ये बात सर आप बिल्कुल सही बोले हैं, इसके लिए हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। सब सरकारी नौकरी वाला का यही हाल है, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी सर, हाथी लगाने को करिया लड़का था, उसके पास सरकारी नौकरी था, उससे उसका ब्याह हो गया, और मेरे में क्या कमी था सर, देखिए तो बात। अरे साला तू कैमरा करिया लड़के के प्रेम कथा सुनावे, कैमरा लगाओ साला। इसकी प्रेम कथा नहीं सुनी यार। जैसे हेड मार्शल को देख लीजिए, देखने में 35 साल के है, और घर में मेहरू जाके देखिएगा तो 15-16 साल के होगी। कचनार सरकारी नौकरी का फायदा। तो चलिए स्कूल के बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि मास्टर पूरा बकवास है, पैसा देकर घूस देकर नौकरी लिया हुआ है। पैसा लौटा, चल मालिश कर। तो बाबू तुम्हारा नाम का बा? धनु। धनु कितना क्लास में पढ़ल? तीसरा क्लास में। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री के नाम मालूम बा? नहीं के मालूम। तो बाबू तुम्हारा नाम का बा? ऋतिक। ऋतिक, अच्छा कितना क्लास में पढ़ल? तीसरा। तीसरा में, अच्छा हेडमास्टर का नाम पता बा तोरा? मालूम बा लेकिन ना बता। आप कुछ बोलेंगे स्कूल के बारे में? हमको नाम रंजन है, हम बहुत खर्चा लड़का है। बहुत खर्चा लड़का है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ के स्कूल का कितना घटिया स्थिति है। हेलो भाई साहब, आप कौन है? यहाँ के टीचर। टीचर है आप जी? तो आप कुछ बोलेंगे यहाँ के घटिया पढ़ाई के बारे में? हट हट पैखाना लगा, उपाय हो को एक साला नौकरी खा जाए। तो आप लोगों ने देखा स्कूल के साथ साथ यहाँ का टीचर भी घटिया है, बात करने का तमीज नहीं है, हगास लगल है। सर
पकड़िए साला को, बहुत बोल रहा है, चलिए। तो मैं सरकार से यही दरखास्त करना चाहूंगा कि यहाँ के टीचर को बदला जाए और आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जाए। लो तुम्हारी खबर निकाल दे। आर्थिक व्यवस्था सुधर गई यार। ओ भाई क्या निशान बनाया, क्या गजब यार, स्थिति बहुत खराब। कैमरा लगाओ, स्थिति बहुत खराब, क्या मस्त है। तुझे हम पहुंचे थे लाल के गंज में, सच्चाई दिखा रहे थे, मैं बहुत बार आ रहा हूँ और कैमरामैन को कलम से खूब खो के मारा, पता नहीं क्या क्या कूटा है। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे अपडेट के साथ, रिपोर्ट हमारे मेरे ज़ेबरा में साथी आदमी के साथ, कातिक भाजपुरी, बंद करो भाई, चलो हमारा निक्स पैसा काम में, चलो डॉक्टर के पास माथा का सीटी स्कैन कराएंगे, माथा का सीटी स्कैन गोरों का करा लीजिएगा, बड़ी हमजा हमजा का हमारा कहीं फाट गया है, वो चला है। भाई उसका सीटी स्कैन कौन करवाता है? भाई इससे ये एक चीज़ तो इन्होंने कंफर्म कर दी कि अगर रिपोर्टर लोग असल में सच दिखाने लग जाए तो गवर्नमेंट उनका यही हाल करेगी। हाँ, इससे सच्चाई दिखाने वालों का यही हाल होता है तो सच्चाई, लेकिन हाँ हिम्मत जो करे वो दिखा भी सकता है, तो थोड़ा हिम्मत करना पड़ेगा। अगर सच्चाई दिखाना है तो हिम्मत करो, मार खाने की हिम्मत रखो या फिर पैसे खा लो और मस्त मजे करो, सही बात, झूठ दिखाओ, सही बात। आजकल तो मीडिया का यही हाल है, पता है आपको, पता नहीं यूक्रेन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पहले से ही आज आखिरी दिन हो सकता है जंग का। हाँ। आज ये हो सकता है, आज पुतिन ये कह सकते हैं, सकते हैं कि साथ में कुछ भी डाल देंगे वो। हाँ, कुछ आज मोदी जी से बात हुई है, रूस के प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति की जो भी बोलते हैं, और आज तो यो कर दिया वो कर दिया। तो यार ये न्यूज चैनल वालों की जो हालत है ना वो ऐसी होनी चाहिए, भले मार खाए लेकिन सच्चाई तो दिखाई कम से कम एटलीस्ट, सही बात है। और सच्चाई दिखाना बहुत जरूरी है। हमारा जो मीडिया है ना एक टाइम पे ऐसा था जो बैंड बजाते थे, बड़े बड़े स्कैम्स को जो है वो सामने ले आता था, और आज मीडिया ऐसा बन चुका है कि कितने ही स्कैम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मालूम ही नहीं पड़ता लोगों को, सही बात है, कि क्या स्कैम हो गया। तो क्या हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया, आप लोगों को कितना मज़ा आया कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।